लोनावाला की पहाड़ियाँ घाटियाँ और उनसे निकली हुई ये वाटरफॉल, ये झरने, इस प्राकृतिक का खूबसूरत नज़ारा जो आँखों से आप देख सकते हैं। झरने के साथ वो पानी निकली है जिनके बीच तेज कर्रात से बहती हुई नदियाँ जो मेरे कैमरे के ऊपर से जा रही है गुफा में। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं नज़ारों को देखने के लिए। प्रकृति का बहुत खूबसूरत नज़ारों में से एक नज़ारा जो हम आपको दिखा रहे हैं। रिमधिम धीरे धीरे बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ पहाड़ों पे जब सूरज की किरणें पड़ती है तो उफ़ माशाल्लाह क्या कहना उनका। ये आप देखिए इस पहाड़ों के बीच बसा हुआ ऐसा है, बारिश की बूंदों के साथ साथ रोड और ये झरने और ये खूबसूरत सा शहर। इस वक्त हमारी ट्रेन लोनावाला की पहाड़ियों की ऊंचाइयों में सफ़र कर रही है और उन्हीं पहाड़ियों से खुला हुआ एक खुला खुला आसमान का नज़ारा। सब जो ना पहाड़ी वाला सीन होता है ना फिल्म का इतनी होता है। लोनावाला इधर ही ना, अरे वो पुना ताला वाला खोलते हम लोग ना पहाड़ों को काट के बनाया हुआ ये सब रास्ता और ये वाटरफॉल छोटा सा।
मेन वाटर होगा नहीं ना, सब हल्के। पहाड़ों के पीछे वो बादलों का झूमता हुआ ये बादल और झूमती हुई ये पहाड़ जो आसमान को चूम रहा है, तेज हवाओं से बिखरा हुआ ये बादल, काली घटाओं से बरसाती हुई बरसात, पहाड़ों को चीरते हुए झरने के रूप में दूध की नदियाँ बहा रही हैं। स्टॉप करिए ना, कुछ देर के लिए हम अपनी पिक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। फिर से हमारी ट्रेन चल पड़ी है तेज रफ्तार से अपने उसी गति की ओर, उसी स्पीड से मेंटेन करते हुए पहाड़ों के बीच चीरते हुए बनी पटरियों में, और ये खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा। और बारिश के मौसम में अगर आप वर्षा ऋतु में आए इस तरफ तो क्या कहना, ये ऊंची ऊंची पहाड़ों पर घने जंगल और जंगलों से निकलता हुआ दूध की धारा। ऐसा लगता है जैसे बादल पहाड़ों की चोटियों को चूम रहा है, उन दोनों का मिलन हो रहा है एक दूसरे के साथ। इस तरफ आप देखिए हजारों की संख्या में यहाँ झरने मौजूद हैं, झरने ऊपर पहाड़ की चोटों से निकलते हैं, बहते हुए नीचे चिड़ी और समझ। पहाड़ के ऊपर बसा है बाबा, बाबा नाम रामनाथ देव का मंदिर, ठीक है। सतह से हम 750 मीटर की ऊंचाई पर फिलहाल थे, अब शायद 1200 मीटर की ऊंचाई पर इस पहाड़ के बीच हमारे
दोनों ओर खाड़ियाँ और बीच में पहाड़, पहाड़ के बीच में बनाया हुआ लंबा सा रास्ता जो कि मुंबई शहर की ओर जा रही है। अब हम आपको वही नज़ारे देंगे जिस नज़ारे की आप खाते हैं उसे देखना चाहते हैं, सिर्फ वही नज़ारे आपको। इस ग्राम के शहर में मैंने पहाड़ियों और पहाड़ियों के बीच ये महिला आती हुई और जाती हुई के रहने वाले लोकल लोग पहाड़ों के ऊपर खेतियाँ भी करते हैं, साग सब्जियाँ, धान, धान की खेती है बीच में नज़र आ रही है। ऐसे धान की खेती यहाँ मुमकिन नहीं, फिर भी ये लोग यहाँ धान की खेती कर रहे हैं पहाड़ के ऊपर। इधर झरना एक बहेंगे वो रहा, झरनों से बहती नदियाँ और उसी बीच में झरना। अरे हाँ दिखा, ऐसी जगह पे हम लोग रहते थे। अगर हम इन जगहों पे रहते तो हमें इस जगह की वैल्यू पता नहीं होती। देखो कितनी तेज नदी है, वो बह रही है, शायद दूर तक गई होगी, वो यहीं तक आई है। पहाड़ के ऊपर खेती कर रहे हैं लोग, लोग हैं देखिए। सातारा कौन सा स्टेशन है? हाँ कसारा, कसारा।